सभी क्या कर रहे हैं? बेटी, ये सब औरतें व्रत कर रही हैं। व्रत? किसका व्रत? वर सावित्री का। बेटी, इस पूजा का महत्व बहुत ही बड़ा है। इस व्रत के पीछे हमारे देश की एक महान नारी सती सावित्री की कथा छिपी हुई है। उसने अपने पति सत्यवान की आयु के लिए ऐसे ही बड़ के नीचे कठोर तपस्या करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए हर एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए ऐसे ही बड़ की पूजा करती है। बापू, हमें भी इस व्रत की महिमा सुनाओ ना। तो सुनो बेटा, आज से हजारों साल पहले मत्र देश के राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा जी तथा माँ सावित्री को मनाने के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। ओम यज्ञाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम प्रजापत्ये नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम क्लीं सावित्री ब्रह्माय जगत्पत्ये नमो नमः। ओम क्लीं सावित्री ब्रह्माय जगत्पत्ये नमो नमः। देहि तन्यम् मातपिता त्वामहं शरणं गतः। देहि मे तन्यम् मातपिता त्वामहं शरणं गतः। त्वामहं शरणं गतः। त्वामहं शरणं गतः। प्रभु, मेरे ही उपासक की ऐसी कठिन परीक्षा? किसकी परीक्षा देवी? राजा अश्वपति की, जिसने संतान प्राप्ति के लिए 18-18 साल कठोर तपस्या की और उपवास किया। क्या उनको भी भूल गए? मैं सब कुछ जानता हूँ देवी, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने ये यज्ञ आरंभ किया है वो भी मैं जानता हूँ। परंतु परंतु क्या? मुझसे ज्यादा उन्होंने आपकी उपासना की है। अगर आप स्वयं वहाँ जाके आशीर्वाद दे तो। माँ सावित्री, आप? हाँ राजन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मांगो राजन, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। माँ, अपने हृदय की कौन सी अभिलाषा से आपकी आराधना कर रहा हूँ वो तो आप जानती हैं। हाँ अश्वपति, परंतु तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। पर माँ। पर फिर भी मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति से किए हुए यज्ञ के फल स्वरूप तेरे यहाँ एक कन्या रत्न का जन्म होगा, जो मेरी ही अंश होगी, और वो कन्या 100 पुत्रों की कमी पूरी करे ऐसी तेजस्वी और भाग्यशाली होगी, जो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगी। जैसा आपका आशीर्वाद माँ। माँ सावित्री की जय। माँ सावित्री की जय। महाराज अश्वपति की जय। चित्रगुप्त जी महाराज, आज आप तनिक चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। जी हाँ महाराज, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में उठ रही है कि तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है। श्रेष्ठ सती? जी नारायण नारायण। श्रेष्ठ सतियों में से एक थी दमयंती, जिसने राजमहल का सुख छोड़ा पर अपने पति को नहीं छोड़ा, और अपने पति के साथ उसकी छाया बन के वन वन भटकती रही। वो तो उसके भाग्य में ऐसा लिखा होगा मुनिवर। आप बहुत भुलक्कड़ हो यमदेव। याद है महासती अनुसुईया अपने सतीत्व के बल पे ब्रह्मा विष्णु और महेश को बाल स्वरूप में झूले में झुलाया था। व्रत तप और सत्व विधि के लेख को भी बदल सकते हैं। विधि के लेख को बदल सकते होंगे, परंतु आज तक ऐसी कोई सती नहीं जन्मी जिसने यमराज के नियम का उल्लंघन किया हो। मेरे हाथों से प्राण वापस लेना ये असंभव है मुनिवर। असंभव को जो संभव बनाए उसी को तो सती कहते हैं, समझे सूर्यपुत्र? मुनिवर, स्वर्ग लोक के देवी देवताओं की शक्तियाँ मुझे जीत नहीं सकती, तो फिर मृत्यु लोक की सतियों की मेरे सामने क्या बिसात? ये आप नहीं बोल रहे हैं यमदेव, बल्कि आपका अभिमान बोल रहा है। जिसके सामने सृष्टि के कर्ता धर्ता को भी झुकना पड़ता है, ऐसी महासतियों के सामने आपकी क्या बिसात है? याद है आपके पिता का रथ रोकने वाली पृथ्वी की महासती नर्मदा की बात? वो सब तो ठीक है मुनिवर, मुझे बताइए कि ऐसी कोई सती जन्मी है जिसने यमराज के नियम को तोड़ा हो। तब भी अभिमान के अंधकार में मत भटकिए यमदेव। ये अभिमान नहीं मुनिवर,
सत्य है। आज तक मेरा नियम अखंड रहा है और हमेशा रहेगा। उसे तोड़ने वाली सती आज तक जन्मी नहीं है और जन्म भी नहीं लेगी। नारायण नारायण, ये नियम बदल के ही रहेगा सूर्य पुत्र, और इस नियम को बदलने वाली वर्षों पहले जन्म ले चुकी है। कौन जन्म ले चुकी है? अश्वपति राजा की पुत्री सावित्री। सावित्री? हाँ, और आज उसका स्वयंवर भी रचने वाला है। आज के शुभ दिन पर यहाँ आए हुए देश विदेश के आमंत्रित राजकुमारों, महाराजाओं तथा प्रजाजनों को महाराज अश्वपति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के शुभ प्रसंग पे राजकुमारी सावित्री जिसे भी वरमाला पहनाएंगी उसी का विवाह राजकुमारी जी के साथ होगा। बेटी सावित्री, माँ का आशीर्वाद लेके शुभ कार्य प्रारंभ करो। अंग देश के राजकुमार वीरभद्र सिंह। बहादुर सिंह, आप इतने बड़े बहादुरों के डर कैसे गए? जाने कैसे मुझे सावित्री में देवी स्वरूप दिखा। हस्तिनापुर के युवराज हिम्मत सिंह। नवानगर के राजकुमार नयन कुमार। अमरावती के राजकुमार अमर सिंह। अमर सिंह जी, आपको अचानक क्या हुआ? नयन सिंह जी, सावित्री के तेज से मैं थोड़ी देर विचलित हो गया था। गोगा नगर के महाराज दुर्गा सिंह जी। प्रणाम देवी, प्रणाम। रक्षा करो। क्या हुआ? किस लिए रक्षा की जरूरत है? महाराज, हमारे राज्य के सीमा पर बहुत सारे नरभक्षी आए हुए हैं, हमें दिन रात परेशान करते रहते। उनके डर से बस्ती के लोग घर बार खाली करके दूसरे राज्य में चले गए हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आपकी रक्षा अवश्य होगी। सेनापति जी। महाराज, जाओ नरभक्षियों को मारकर प्रजाजनों की रक्षा करो। जैसी आज्ञा। पिताजी, नरभक्षियों का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है, उनका नाश करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगी। पर बेटी, स्वयंवर को अधूरा छोड़ के? स्वयंवर तो फिर से रचेगा पिताजी, मगर नरभक्षियों के हाथों मरे हुए लोग वो तो दोबारा वापस नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, मेरी फूल सी कोमल बेटी को मैं उन भयंकर नरभक्षियों के पास नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। माँ, चिंता मत करो। पिताजी,
मेरे शरीर में एक पराक्रमी योद्धा का खून दौड़ रहा है पिताजी, और प्रजा की रक्षा करना तो एक राजा का प्रथम कर्तव्य है, चाहे फिर वो राजकुमार हो या राजकुमारी। इसलिए एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ठीक है, जाओ बेटी, माँ सावित्री तुम्हारी रक्षा करे। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। रुक जाओ अश्वपति, पहले स्वयंवर और फिर प्रजा की रक्षा। स्वयंवर अधूरा छोड़ के मैं सावित्री को नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने वाले आप कौन? चंद्रसेन। चंद्रसेन? कौन चंद्रसेन? मेरी पहचान चाहिए तो पहले मेरे गले में वरमाला पहनाओ। तुम्हारे जैसे हजारों चंद्रसेन सावित्री के मुंह में भटकते हैं, जाओ कोई दूसरी ढूंढ लो। चल माला। अश्वपति, स्वयंवर अधूरा छोड़ के आपने हमारा अपमान किया है। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, किसी भी तरह से सावित्री को पाके रहूंगा। आज तुम मेरे यहाँ के लिए सुंदर फल लाए हो, आज देवी को भोग लगाया जाएगा। इसके खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा और तुम सब आज रात को जश्न मनाना। इसका भोग देने से पहले तेरा भोग ये सावित्री चढ़ाएगी। पकड़ लो इसे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सुंदर, इस समय जो इस पोपट को कोई मैना मिल जाए तो घोंसला बनाने के लिए सुंदर जगह है। आपने मुझे बचाया। अरे बचाने वाला तो भगवान है, और क्या और हमारा मिलन कराने वाला भी तो भगवान ही है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे पहले भी हम दोनों मिल चुके हैं। कहाँ, कब? पिछले जन्म में। पिछले जन्म में? हाँ, आपको याद नहीं है तो जाने दो, पर इस जन्म का मिलन तो आपको याद रहेगा ना।
अति सुंदर। डरो नहीं देवी, डरो नहीं। आपको मारने वाला राक्षस तो एक ही वार में गिर गया। गिर गया? हाँ। किसने गिराया? अरे इस हथौड़े ने, ये फौलादी शरीर ने। सच में? हाँ, सच नहीं तो क्या झूठ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए, नहीं तो यहाँ मुझे अकेले का क्या होता। तुम कहाँ गए? कहाँ चला गया ये? अरे भगवान, क्या चला गया? तुम कहाँ चले गए थे? अरे, मैं कोई भूत हूँ जो गायब हो जाऊंगा? आपने मेरा पराक्रम कहाँ देखा है? अरे बचपन से मैंने सैकड़ों राक्षसों के सिर काट काट के नर्क में फेंक दिया है। 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12। सच में तुम कितने बहादुर हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, काम हो गया। किसका काम हो गया? इस ब्रह्मचारी का। हाँ? सच कहूँ देवी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा मन धक 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 हो रहा है। भागो! अरे रे रे रे, मेरी बात तो सुनते जाओ। सत्यवान भाई। क्या हुआ पोपट? लो, हो गया काम। पर तुम इतने घबराए हुए क्यों? अरे हमारा दुश्मन आ रहा है। दुश्मन? हाँ। कौन दुश्मन? अरे कौन? अरे अपने दुश्मन ज्यादा थोड़े ही है जो पूछ रहे हो। समझ गया, उसे भी देख लेते हैं। चलो। नहीं नहीं नहीं, जंगल में भटकना ही ठीक रहेगा। हाँ। नहीं तू अपना घर देख लेगा। चलो ठीक है देवी, मैं चलूं। फिर कब मिलोगे? वो तो हजारों हाथों वाला जाने। वो जाने या ना जाने, पर ये मधुर मिलन की घड़ी मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अगर ये भूल गए तो मैं याद दिला दूंगा। चल, मैं याद दिला दूंगा। माँ? आ गए बेटा। हाँ माँ। बेटा सत्यवान। जी पिताजी। बेटा आज देर क्यों हो गई? कहाँ गए थे बेटा? पिताजी, कुछ नरभक्षियों ने एक कन्या पे हमला कर दिया था, उनकी रक्षा करने में देरी हो गई। अच्छा ठीक है, जा बेटा अंदर जाके भोजन कर ले। ठीक है माँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान बाबा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। मैं ना तू? ये कौन से सावरे सलोने को मन मंदिर में बिठाया है? वो तो राजकुमारी जी, कब तक उस परदेसी के लिए रात भर जागरण करेंगी? भूल जाइए उसे। कैसे भूल सकती हूँ मैं ना, वो तो मेरे मन मंदिर में समा गए हैं। पर मंदिर के देवता का कोई ठौर ठिकाना ना हो फिर पुजारी की पूजा का क्या अर्थ? मैं ना, मेरी पूजा जरूर फलेगी, मुझे विश्वास है कि वो मुझे अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। देवी मन मिले पर फिर न मिले। हो गया काम। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है। अरे मैरा की याद ही याद में करवट बदल बदल के बिस्तर घिस गया, फिर भी मैरा के पेट का पानी नहीं हिला, नहीं हिला पानी। अरे मेरी मानो तो बड़े भाई, उसे भूल जाओ।
कैसे भूल जाऊं पोपट, वे मंदिर की मूर्ति जब एक दूसरे के मन मंदिर में समा गई है, उस मंदिर के द्वार कैसे बंद कर सकता हूं? लगता है आज तुम्हें कोई बहुत याद कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको बहुत याद करता है। अब चुप रहे, चल जाओ यहाँ से। ये गुस्सा क्यों हो रही है? वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तुम्हारे एक एक बोल मेरे हृदय में नुकीले बाणों की तरह चुभ रहे हैं। तुझे पता नहीं होगा, अपने बाहुबल से रजवाड़े का राज भोगने वाला चंद्रसेन के बाण का अंतिम परिणाम क्या होगा। सावित्री, इस पृथ्वी पे मैं तेरे लिए ही जन्मा हूँ। या तो तुझे प्राप्त करूंगा या तो तेरे राज्य को मच्छर की तरह मचल दूंगा। हे माता जी, आपकी कृपा से मुझे फूल जैसी बेटी प्राप्त हुई और आपके छत्र छाया में वो पली बड़ी। बड़ी होने के साथ ही हमने उसका स्वयंवर रचाया। पर विधि का लेख कुछ अलग ही है माता। सावित्री के तेज से बड़े बड़े राजकुमार विचलित और फिर स्वयंवर अधूरा रह गया। पर माँ, अब धीरज छूटता जा रहा है। माँ, सावित्री के लिए योग्य वर खोज के हमें चिंता से मुक्त कर दो। माँ, मुक्त कर दो। नारायण नारायण। मुनिवर। राजन, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की भी बेटी कुंवारी नहीं रहती। आपकी सावित्री तो दिव्य बाला है। इससे तो इंद्र को भी ईर्ष्या हो जाए, ऐसा वर मिलेगा। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। राजन, अगर सावित्री श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्रा करेगी तो इसे योग्य वर अवश्य मिलेगा। बेटी सावित्री, तुम तीर्थ यात्रा जाने को तैयार हो? जैसी आप सबकी इच्छा। कल्याण हो। बेटी, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो। प्रणाम पिताजी। सुखी रहो बेटी। राजकुमारी जी, तीर्थ यात्रा के सभी देवताओं के दर्शन हुए, पर आपके मन मंदिर के देवता के अभी तक दर्शन नहीं हुए। अब तो हमारे राज्य की सीमा भी आ गई। मेरी बात मानो और वापस चलो। मैना, यूं निराश होकर अगर हम लोग वापस चले जाएं, तो यात्रा सफल नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य मिलेंगे। राजकुमारी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं जाके आराम करती हूँ। अरे मैना, मैना। चंद्रसेन, तू? तू नहीं, आप सबके। चल, छोड़ दे मेरा हाथ। कर लिया हाथ तो कैसे छोड़ू, ये तो केवल मेरे लिए ही बने हैं। मेरे लिए तुझे दूसरा जन्म लेना होगा। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़। बचाओ, बचाओ, बचाओ। चंद्रसेन, कौन? सत्यवान तू? अंधपुत्र? हाँ हाँ, अंधपुत्र। हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चंद्रसेन। हाँ।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, एक निहत्ते पे वार करना शूरवीर को शोभा नहीं देता। उठ। आज मैं इनके कहने पर तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, और आज के बाद स्त्री को शक्ति मानकर उसकी पूजा करना, समझा? रुकिए, सुनिए ना। हाँ? आज आपने फिर से मेरी जान बचाई है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, बाकी बचाने वाला तो हजार हाथ वाला है। उसी ने हमारा फिर से मिलन करवाया है। उस दिन तो आपका परिचय अधूरा रह गया था, पर आज तो अपना परिचय देंगी ना? मैं महाराजा अश्वपति की पुत्री सावित्री। सावित्री? हाँ, आपके चरणों की दासी। नहीं नहीं देवी, ये क्या कर रही हैं आप? जन्मों जन्म की दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप तो राजकुमारी हैं, और मैं राजकुमार होकर भी कुछ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चांद मिलने के बाद सितारों की क्या आवश्यकता? कहाँ आपका राजमहल और कहाँ मेरी झोपड़ी? झोपड़ी को मैं अपना स्वर्ग मानूंगी, सदा के लिए आपकी जीवन संगिनी बनके रहूंगी। मृत्यु भी हमें कभी अलग नहीं कर सकेगी स्वामी। स्वामी? हाँ, आर्य नारी जिस पुरुष को एक बार अपना स्वामी मान लेती है, वही पुरुष उसके मन का जन्मों जन्म का साथी बन के रहता है। पर आपके पिता की इच्छा? जो मेरी इच्छा वही उनकी इच्छा। मैं आज ही वापस जाती हूँ और हमारे विवाह की बात उनसे करती हूँ। महाराज जी की जय हो। महाराज राजकुमारी जी पधार रही हैं। प्रणाम पिताजी। आ गई बेटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, माँ सावित्री की कृपा से मेरी यात्रा सफल हो गई। जल्दी बताओ माला, वो राजकुमार कौन है, क्या नाम है उसका? महाराज, वो सुंदर राजकुमार है, महाराजा धुमत सेन का पुत्र सत्यवान। सत्यवान? राजा धुमत सेन का पुत्र? नहीं बेटी नहीं, ये कदापि नहीं होगा। कहाँ सुख में पली मेरी सावित्री और कहाँ वो सत्यवान। नहीं बेटा नहीं, एक आश्रमवासी के साथ तेरा विवाह कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पिताजी। हाँ, मैं उसे पहचानता हूँ। आज से वर्षों पहले राजलक्ष्मी उसके चरण चूमती थी, पर आज भिखारी है, कंगाल है, और दूसरे के आधार पर वो जीता है। नहीं बेटी नहीं, ऐसे कंगाल के हाथ में तेरा हाथ सौंप के मैं अपनी ममता लाड प्यार को लज्जित नहीं करना चाहता बेटी। ऐसा बोल के आप मेरे पवित्र प्रेम को कलंकित कर रहे हैं पिताजी। जिस पुरुष ने मेरे जीवन की दो दो बार रक्षा की है वो भिखारी नहीं, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे मन का देवता है। सावित्री। हाँ, जन्मों जन्म से जिस आत्मा से मेरी आत्मा मिली हुई है, ऐसे सत्य के अवतार समान सत्यवान को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी, कदापि नहीं छोड़ूंगी। बेटी सावित्री, हमने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे, और सोचा था किसी चक्रवर्ती राजा के पुत्र के साथ तुझे ब्याहेंगे, और तूने हमारी सब आशाओं को मिट्टी में मिला दिया, और एक वनवासी के साथ ब्याहने को तैयार हो गई। भले ही वो वनवासी हो, लेकिन पति जा रहे उसे स्वर्ग मानना एक स्त्री का सच्चा धर्म है। उसकी झोपड़ी मेरे लिए राजमहल से भी श्रेष्ठ होगी। ओह सावित्री, जिद की भी कोई हद होती है। ये जिद नहीं है, पर मेरा जीवन है। भले धरती फट जाए, पर्वत हिल जाए, समुद्र मर्यादा छोड़ दे, ध्रुव चलायमान हो जाए, और सूर्य के टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाए, तो भी मेरा निश्चय अटल है और अटल ही रहेगा। ओह, इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर तुम्हें आग से खेलना है तो ठीक है, तो आज से तेरा मेरा संबंध। नारायण 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 नारायण। राजन, यहाँ का वातावरण आज कुछ गंभीर लग रहा है।
आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, पर आप ही कहिए, तीर्थ यात्रा में सावित्री ने जिसे अपनाया है वो क्या योग्य है? कौन है वो भाग्यशाली युवक? सत्यवान। सत्यवान, कितना अच्छा वर पसंद किया है राजन। सत्यवान बिल्कुल नाम जैसा ही गुणवान है। वो सत्यवादी है, गुणवान है, तेजस्वी है, बुद्धिशाली है और वीर है। भगवान ने उसके जैसे सज्जन तो संसार में शायद ही दूसरे किए हों। ये युवक इस सृष्टि का श्रृंगार है राजन, पर रुक क्यों गए मुनिवर? सत्यवान की आयु बहुत ही कम है राजन। क्या कहा? हाँ, उसका जीवन सिर्फ एक ही वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। मुनिवर नहीं, वो कदापि नहीं होगा। आप अपना विधान बदले मुनिवर। मैं तो क्या, पर जीवन मरण का स्वामी भी इस विधान को नहीं बदल सकता है सावित्री। आज से ठीक एक वर्ष बाद सूर्यास्त के साथ ही सत्यवान के प्राण उड़ जाएंगे। मुनिवर। अब कहो सावित्री, अब भी क्या तुम उसके साथ विवाह करने को तैयार हो? हाँ देवर्षि, मैं एक बार जिसे अपने मन से अपना पति मान चुकी हूँ वो मेरा जन्म जन्म का साथी है। उसके प्राण की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर अपना निर्णय तो मैं नहीं बदलूंगी। नारायण नारायण। बेटी, अधिक हट अच्छा नहीं है। भले ही तुम अपने माँ बाप की न मानो, पर इस तंबूरे वाले का मान तो रखो बेटी। ये पृथ्वी अनेक आयुष्मान युवाओं से भरी पड़ी है, उनमें से किसी एक के साथ तुम विवाह कर लो। मुनिवर, सूर्य को ऐसा कह सकते हैं कि वो पूर्व दिशा से उदय होना छोड़ दे? ना। तो क्या समुद्र को ऐसा कह सकते हैं कि अपनी मर्यादा भूल के दुनिया को अपने पानी में डुबो दे? ना। तो क्या आप मुझे ऐसा कह सकते हैं कि तू एक जीवन में दो जीवन जी? क्यों कुछ बोल नहीं रहे मुनिवर? साम्राज्य के बंटवारे के लिए चिट्ठियां सिर्फ एक ही बार लिखी जाती है, कन्या का दान सिर्फ एक ही बार किया जाता है। ऐसे ही मन भी किसी को एक ही बार दिया जाता है मुनिवर, चाहे उसके बाद उसका जीवन दीर्घायु हो या अल्पायु। सावित्री, हम दोनों की आत्मा एक है, उसे मृत्यु भी कभी अलग नहीं कर सकती पिताजी। नारायण नारायण नारायण। अश्वपति, यूं गुस्सा मत होइए। संतान को संतान होती है, पर माँ बाप थोड़ी कुमा बाप होते हैं। और वैसे भी बाल हट के आगे माता पिता तो हार ही जाते हैं। सावित्री का निश्चय जो अटल ही है, तो आप इन दोनों का लग्न करवा ही दीजिए, सब मंगलमय हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। पधारिए देवर्षि पधारिए। यमलोक में अचानक पधारने का कोई विशेष प्रयोजन? मैं आपको एक शुभ समाचार बताने आया हूँ यमदेव। आपका वो शुभ समाचार जानता हूँ देवर्षि। ये समाचार मेरे लिए तो शुभ ही है, परंतु आपके लिए अशुभ है। आपके खोदे हुए गड्ढे में आपको खुद ही गिरना है देवर्षि। चित्रगुप्त जी महाराज। सत्यवान की आयु कितनी बाकी है वो जरा बताएंगे अपने देवर्षि को? अवश्य। बस एक वर्ष। सुना मुनिवर, एक वर्ष, बस एक वर्ष, एक वर्ष, और उसके बाद आपकी सती के पति के प्राण मेरी मुट्ठी में होंगे, मेरी मुट्ठी में। और उसके बाद अपने संघर्ष का भी अंत हो जाएगा। दुनिया की कोई भी शक्ति यम के नियम को नहीं तोड़ सकती। नारायण नारायण। जब अभिमान का भूत किसी के सर पर सवार होता है, तब अभिमान उसे नचाता है और मदारी के बंदर की तरह वो अभिमानी नाचता है। वो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ यमराज। मुनिवर, अंदर के जैसा नाचने की बारी तो आपकी आएगी, जब तीनों लोकों के देवताओं के समक्ष आपको हार माननी पड़ेगी। कुछ भी हो यमदेव, पर सत्य अपना रंग दिखा के ही रहता है। नारायण नारायण। बेचारे नारद जी, पृथ्वी की सती के जोर पे वो यम के नियम को बदलना चाहते हैं,
पर एक वर्ष के बाद उनकी चहेती सती के पति के प्राण मेरी मुट्ठी में हो गए, बेचारी सावित्री। उठो बालक, उठो। क्या बात है प्रभु? ये अपने तंबूरे से एक ऐसा लग्न फिर निकालो कि मेरी हजीरी मैना इस पोपट के पिंजरे में आ जाए। नारायण नारायण। पोपट? बोलिए प्रभु। यानी कि तुम विवाह करना चाहते हो, है ना? समझ गए प्रभु, समझ गए। प्रभु सही में आप अंतर्यामी हो। नारायण मैना। जी मुनिवर। क्या तुम भी इस पोपट से विवाह करना चाहती हो? हाँ प्रभु, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ प्रभु, विवाह से पहले उसको मुझे पत्नी सेवा का वचन देना पड़ेगा। नारायण नारायण, पत्नी सेवा? जी प्रभु, कारण कि ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, तेरा ये संसार भी कैसा अद्भुत है, कहीं पे पति सेवा तो कहीं पे पत्नी सेवा। पोपट? आज्ञा प्रभु। स्त्री के आगे तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, तू भी इस हठेली मैना की बात मान जा और संसार रूपी सागर में कूद जा और डुबकी लगाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। वो जिस बात से मान जाए वही सही है। आखिर ये संसार तुझे पत्नी भक्त पोपट के नाम से तो याद करेगा। अवश्य करेगा। लाओ अपना हाथ। तुम्हारा हाथ मैना। पत्नी सेवा। मुनिवर गायब। मैना चलो ना मेरे पोपट। आज का दिन कितना शुभ है। क्या सरिता सागर से मिल रही है? भगवान तुम्हारा मिलन अखंड रखे बेटी। जाओ बेटी। पिताजी। सुखी रहो बेटा। देख बेटी, ये माँ सावित्री की मूर्ति, अपने ससुराल जाके उसकी पूजा करना, इनके आशीर्वाद से तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ सावित्री सदा तुम्हारी रक्षा करे बेटी। सावित्री सावित्री सावित्री। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो मंत्रीवर? महाराज, सावित्री का ब्याह सत्यवान के साथ हो गया। क्या कहा? सावित्री का विवाह और वो भी मेरे दुश्मन के साथ? हाँ महाराज। विवाह भले ही हो गया हो, पर अब कोई भी संजोग से वो नव दंपत्ति का जोड़ा आश्रम तक नहीं पहुंच सकेगा। सावित्री को आगरात झोपड़े में नहीं, मेरे साथ इस महल में होगी। और सत्यवान। सावित्री। ये हमारे कुलदेवता का मंदिर है, इनके दर्शन करके हम आश्रम में चलते हैं। जी।
चलो। सावित्री, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हे माँ सावित्री, हमारी रक्षा करना। सावित्री, पांच हुए। कल्याण हो बेटा। पिताजी आ गए बेटा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी जोड़ी अमर रखे, अमर रखे। माताजी अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। बेटी हमारे अहो भाग्य कि तुम्हारे जैसी गुणवान कन्या हमारी झोपड़ी में गृहलक्ष्मी बन के आई है। चलो बेटी चलो। अरे ये पोपट क्यों नहीं आया? आ गया गुरुदेव, चल। प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो गुरुदेव, हम रास्ता भूल गए थे। सही कहा ना? हाँ गुरु, इनकी बात सच है। क्यों पोपट, तूने भी विवाह कर लिया? हाँ गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। कल्याणा मस्तु। चल मैना अपने घर। बाप रे बाप, ये अपना घर है। देख मैना, ये है अपना घर। हाँ? हाँ? बाप रे बाप, ये अपना घर है कि पिंजरा? अरे अंदर चल तो सही, ये पिंजरा नहीं है, ये पोपट का घर है। चल चल चल। अरे 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 आ रही हूँ बाबा। यही लो। आजा 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 आजा। धन्य धन्य है तू आर्य नारी और धन्य है तेरी जात, पर अवधि एक बरस की। अरे किंतु ब्याही सत्यवान के साथ। हे माँ, तेरी कृपा और आशीर्वाद से मैंने संसार रूपी सागर में प्रवेश किया है। मैं जानती हूँ कि मेरी जीवन नैया बीच दरिया में डूबने वाली है, फिर भी उसे बचाना या डुबाना तेरे हाथों में है। कैसे भी आंधी और तूफान आए माँ, मेरी जीवन नैया को पार लगाना माँ, पार लगाना, पार लगाना। सावित्री। हाँ? ये क्या है, तुम्हारे महल के आभूषण और श्रृंगार कहाँ गए?
ये सब परिवर्तन किस लिए? ये परिवर्तन नहीं है स्वामी, पति के रंग में रंग जाना यही स्त्री का सच्चा धर्म है। धन्य हो तुम, तुम्हें पाकर मैंने दुनिया के सब सुख पा लिए हैं। धीरे धीरे धीरे। हाँ हाय 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 हाय, बहुत हो गया बहुत हो गया, बस बस बस। माथा दबाऊं? अरे मेरा माथा। माथा दबाऊं? माथा दबाता। तू कहती है तो मैं चला भी दबा दूँ। बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया। अब तुम एक काम करो, यहाँ से सब कचरा बाहर निकाल दो। हाँ झाड़ू से। झाड़ू से? हाँ, और फिर नीचे जाके बर्तन धो डालो और फिर कपड़े धो डालो। और ये जो तुम्हारे हाथ है ना, अपने हाथों से बहुत अच्छा खाना बना के मुझे खिलाना। हाँ खिलाऊं? ठीक है, तू कहेगी तो अपने हाथों से निवाला भी डाल दूंगा। अरे मेरे पोपट। सो जाओ। ए चिल्ला क्यों रहे हो? सो जाना। हे भगवान, पत्नी सेवा में मुझे इतना करना पड़ेगा, ये मुझे आज पता चला। हे भगवान, धन्य धन्य हो सावित्री देवी, आप धन्य हो। एक आप हो जो रात दिन सत्या की सेवा करती हो, और एक मैना है जो रात दिन मेरा सिर खाती रहती है। सर खाती है? सर सर नहीं, पूरा का पूरा खा जाऊंगी। हे भगवान, इसे शाकाहारी से मांसाहारी का बनाया। क्या बोला? मंत्रीवर। जी महाराज। तुम्हें एक काम करना है। आज्ञा कीजिए महाराज। ऐसे नहीं, पास आओ, दीवारों के भी कान होते हैं, समझे? वाह महाराज वाह, क्या आपने दिमाग लगाया है। इस पृथ्वी पर आपके जैसा बुद्धिशाली मानव आज तक जन्मा नहीं है और जन्मेगा भी नहीं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सावित्री, क्या मांग रही हो सूर्य भगवान से? सावित्री, क्या मांगा भगवान से तुमने? यही कि जन्मों जन्मांतर तक पति के रूप में आप ही मुझे मिली। सच में? बड़े भाई, ए बड़े भाई, क्या बात है पोपट, लकड़ी काटने चलो ना। सावित्री। हाँ? मैं जाता हूँ। ठीक है। मैना। हाँ, क्या है? मैं भी जाऊँ? तो जाओ ना, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे देखने जैसा होगा तो देखेंगे ना। जाऊँ? जाऊँ? अरे गिरने को किसने कहा, जाने के लिए कहा था। अरे सत्यवान भाई रुको। राजकुमारी जी, सत्यवान भाई सही में एक देवता है, पर कभी कभी मेरे मन में एक बात खटकती है। कौन सी बात? वो नारद जी की कही हुई बात। सावित्री, आज से ठीक एक वर्ष बाद सूर्यास्त होते ही सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसी सुख दुख मन नहीं माने, ओ इसके साथ ही भैया, तेरा तो कोई ना जाओ रे रघुनाथ नगरी। सुख दूर
है दिन की तारा मातिरानी। अपने पीपट में चल रे बरने के नीचे गर्म पानी, वरना पड़ा नीचे गर्म पानी। है कि सुख दुख मनाना ही माने रे, मेरा मन सुख दुख मन नाई। जय शंभु। कौन हो भाई? मैं हूँ अशुपति राजा का राजदूत। आइए आइए बैठिए बैठिए, वहाँ सब कुशल तो है ना? आपकी कृपा से सब आनंदमय है। आने का कोई प्रयोजन? राजा अशुपति ने कहलवाया है कि सावित्री को जल्द से जल्द वापस भेजिए। कारण? सुना है कि सावित्री को गृहिणी की तरह नहीं परंतु एक दासी की तरह काम कराते हैं, और मैंने भी अपनी आँखों से देखा है कि सावित्री नदी से पानी भर के ला रही थी। आप ये क्या कह रहे हैं राजदूत? ठीक कह रहा हूँ महाराज, और हमारे राजा ने ये सोने की मोहरें भिजवाई हैं और कहा है कि सावित्री से काम मत कराइएगा, नौकर रख लीजिएगा। नहीं नहीं, ये धन आप वापस ले जाइए, आज से उसे इस घर का कोई भी काम नहीं करने देंगे। ये सब मेरा नहीं, मुझे तो सिर्फ आदेश मानना है। लीजिए महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आए हैं तो थोड़ी देर बैठिए ना, सावित्री बेटी अभी आ जाएगी, उससे मिलकर फिर भोजन करके ही जाइएगा। नहीं नहीं, बेटियों के यहाँ हम नहीं खाते, और मुझे अभी बहुत काम बाकी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। महाराज, ये धन भेज के सावित्री के पिताजी ने हमारे गरीबीपन का अपमान किया है। यूं दुखी ना हो रानी, पुत्र के प्रति पिता के लगाव का मुझे पूरा एहसास है। आज से इस घर का सब काम हम ही करेंगे रानी। बहू तुम अंदर जाओ, बर्तन मैं मांज लूंगी। ये क्या कह रही है माँ? बहू, ऐसा काम तुम्हें शोभा नहीं देता, जाओ उठो। उठो कहा ना। पिताजी, पिताजी, ये क्या पिताजी? पिताजी, ये काम तो मेरा है, मुझे ही करने दीजिए ना। नहीं बेटी नहीं, काम तो सबके लिए समान होता है बेटी। नहीं, ऐसा काम मैं आपको नहीं करने दूंगी। पिताजी, एकाएक ऐसा क्यों? मेरा कोई अपराध हो तो मुझे बताइए, पर ऐसा विरोध मुझसे सहन नहीं होता पिताजी। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, पर हम ही उल्टा समझ बैठे थे। सबको अपना काम स्वयं कर लेना चाहिए। आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं माँ, जब तक आप नहीं बताएंगी तब तक मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। बेटी, तुम्हारे पिताजी ने राजदूत के हाथों सोने की मोहर भेजकर मुझसे कहलाया था कि सावित्री से कोई काम मत करवाना, और इन सोने की मोहरों से आप नौकर रख लेना कोई। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी ने धन भेजा था, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। सावित्री, तुम्हारे पिता की इच्छा तुम्हें देखने की है, इसलिए तुम्हें मायके बुलाया है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए बहू, जाओ, वहाँ जाने की तैयारी करो। जाओ जाओ, तैयारी करो। कहाँ ना जाओ। बेटा सत्यवान, ये ले पानी, जल्दी से हाथ मुंह धो ले। माँ, सावित्री कहाँ है? अंदर है। अरे
सावित्री तुम रो क्यों रही हो? आप मुझे अपने से दूर मत कीजिए नाथ, दूर मत कीजिए। अरे तुम तो मेरे पास ही हो, फिर दूर करने का प्रश्न ही कहाँ है। रो मत सावित्री, रो मत। बेटा इसमें तुम दोनों के लिए भोजन है, खा लेना। माँ वो रो किस लिए रही है? कुछ नहीं बेटा, बहू के पिता ने उसे आज मायके बुलाया है। पर उसकी इच्छा तो मायके जाने की नहीं है। पर उसके पिता की इच्छा तो है ना, इसलिए बहू थोड़े दिन के लिए मायके जाए, यही उसके लिए ठीक रहेगा। उसके साथ साथ उसके पिता का हमारे लिए भेजा हुआ धन वो भी वापस दे आए। बेटा जब तक ये धन हमारे पास रहेगा तब तक हमें चैन से जीने नहीं देगा। नाथ ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सावित्री हर माँ बाप को ऐसा लगाव होना स्वाभाविक है। तुम्हारे पिता ने ये सोने की मोहर भेजी है, पर ये घर इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम ये धन वापस ले जाओ ताकि दोनों काम हो जाए। नहीं नाथ, मुझसे नहीं जाया जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हो ना, और माता पिता के लगाव की अवहेलना भी कैसे कर सकती हो। आप ही ने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी दूर नहीं जाने देंगे, फिर भी आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जैसे हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हो। स्वामी मैं अपनी व्यथा आपको किस तरह समझाऊं, वो कोई नहीं समझ सकेगा। मेरे पिताजी ने जो किया है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अरे पर इसमें क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तुम्हें क्या हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ और धीरज से काम लो। तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरे लिए तो मान जाओ और मैं थोड़े समय के बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। नहीं नाथ नहीं, आप मुझे समझ नहीं सकेंगे, कभी नहीं समझ सकेंगे। माँ माँ मेरे सुखी संसार में अचानक ये सब क्या हो गया, मैं अपनी वेदना किसी को नहीं कह सकती और सह भी नहीं सकती। मेरी सहायता करो माँ, सहायता करो माँ। महाराज ये आपको क्या हुआ? महाराज सारा बदन जल रहा है, पंखा बंद करो, मुझे बचाओ, ये मेरे बदन पे ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ ये मेरे शरीर पर एकाएक फोड़ा कहां से निकल आया? वेदराज को बुलाओ। जी महाराज। महाराज के कहने पर सावित्री के संसार में मैंने आग लगाने का प्रयत्न किया था, पर उसका इससे क्या लेना देना? उसका इसके साथ लेना देना है मेरी मान, और अहम छोड़ के सावित्री के पास क्षमा मांग। रोग का इलाज सती के चरणों में ही है, वही तुझे रोग मुक्त कर सकती है, रोग मुक्त कर सकती है, रोग मुक्त कर सकती है। मुझे सावित्री से क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, मैं सावित्री के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हे भोलेनाथ मेरे सुखी संसार में एकाएक आग लग गई है, आप तो जगत के तारनहार हो। प्रभु जो ऐसे विकट समय में मेरे संकट को दूर नहीं करेंगे तो मैं सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मायके नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। प्रभु क्षमा करो देवी, मुझे क्षमा करो, मैं आपका अपराधी हूँ, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती है, मुझे क्षमा करो देवी, मुझे बचा लो। आपने अपराध किया है, क्यों? महाराजा चंद्रसेन के कहने पर अश्वपति राजा का दूत बन के आपके ससुर को सोने की मोहरे देकर मैं ही गया था, आपके सुखी संसार में जहर घोलने का प्रयास भी मैंने ही किया था, पर ये जहर अब मेरी नस नस में समा गया है। देवी आपके आशीर्वाद के बगैर इस जहर का नाश नहीं हो सकता, मुझे क्षमा करो और इस दुख से मुक्त करो। देवी मुझे इस दुख से मुक्त करो। मेरे आशीष से आपका और आपके महाराज का दुख अगर दूर हो जाए तो मेरा आशीष सदा आपके साथ ही है, कल्याण हो। धन्य है देवी, आप धन्य है सचमुच देवी, स्त्री के रूप में आप एक सती हैं, महान शक्ति हैं,
आपकी चरण की धूली लेकर मैं धन्य हुआ हूँ। भाई ये लीजिए आपका धन, आपको ही अर्पण। सब समस्याओं का कारण यही है, जाओ और सुखी रहो। जो आज्ञा आपकी। सावित्री, माँ, बेटी, तूने दुश्मन को तो क्षमा कर दिया, अब हमसे भी कोई अपराध हुआ हो तो हमें भी क्षमा कर दो बेटी। ये क्या कह रही है माँ, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरे कारण आप सबका दिल दुखा, पर अब तो मुझे अपने चरणों की सेवा करने से दूर मत कीजिए माँ। तुम सेवा के लिए नहीं जन्मी हो बेटी, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी से कोई काम करवाता है क्या? जाओ बेटा घर में जाओ, जाओ। नाथ। सावित्री, स्त्री के रूप में तुम देवी हो ये मुझे आज ही पता चला, पर मैंने विवाह के बाद तुम्हें सिर्फ दुख के आंसू ही दिए हैं। कहां तुम्हारे राजमहल का वैभव और कहां ये झोपड़ी, और मैं एक भिखारी। सावित्री, तुम्हारे जैसी राजकुमारी के लिए मेरे जैसा दरिद्र इंसान किसी भी तरह से योग्य नहीं है, किसी भी तरह से योग्य नहीं है। ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपकी छाया हूँ, चाहे जितने सुख और दुख आए फिर भी मैं हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हूँ। स्वामी स्वामी आप यूं उदास ना हो। बेचारी सावित्री। चित्रगुप्त जी, चार दिवस के पश्चात सावित्री के सौभाग्य का सूरज अस्त हो जाएगा और नारद जी का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। नारायण नारायण, मैं कभी भी स्वप्न नहीं देखता यमदेव, मैं मात्र सत्य देखता हूँ और सावित्री उसी सत्य का प्रकाश है। देवर्षि, सावित्री प्रकाश नहीं अंधकार है, और आपका वो प्रकाश भी सत्यवान की मृत्यु के बाद अंधकार में विलीन हो जाएगा। नहीं नहीं यमदेव, जब तक सत्यवान महासती सावित्री की छत्र छाया में है तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवर्षि, होनी को कोई टाल नहीं सका है, और ये मत भूलिए कि इस बार आपका पाला किसी और से नहीं इस यमराज से पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं जब पराजय से आपका मस्तक झुक जाएगा, और इतना ही नहीं इस तंबूरे के सारे तार टूट जाएंगे और आप नारायण नारायण करना भी भूल जाएंगे। यमराज, आपके शब्दों के बाण मेरी छाती को भेद डालते हैं, किंतु ये याद रखना, मेरी वीणा का तार टूटेगा तो भी मेरे रोम रोम से नारायण नारायण की पुकार गूंजेगी। नारद जी। हाँ यमदेव, मेरे नारायण के अमर और पवित्र मंत्र पर आपकी शक्ति की हजारों आंधियां या लाखों तूफान आएंगे तो भी महासती सावित्री की ज्योत अमर बन के जलती रहेगी। नारायण नारायण। सावित्री सावित्री सावित्री। यमदूत जी। चित्रगुप्त जी, मुझे नारद से भय लग रहा है, कदाचित उनके आगे अपने महाराज की पराजित हो गई तो। मुझे लगता है जो वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अपने महाराज कदापि हारेंगे नहीं, उसका आपको अभी पता चल जाएगा। मैं ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि उसे देखकर ही मुझे नमस्कार करेंगे और मेरे काम से महाराज चिंता मुक्त हो जाएंगे। सुनो गौतमी, अब मैं अपनी मैना के त्रास से इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे खराब से खराब पिंजरा भी मिले तो भी मैं कैद होने को तैयार हूँ। तेरी नजर में ऐसा कोई पिंजरा है तो बताना जिससे ये पोपट भूखा भी ना रहे और प्यासा भी ना रहे। अच्छा हाँ। पोपट की पोपटी, मेरे पोपट को उड़ाने पर तुली है, पर मैं उसे उड़ने नहीं दूंगी। तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ क्या समझती है? अरे छोड़ो छोड़ो।
मैना मैना अरे मर गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे नहीं, अरे बड़ी आई उड़ा के ले जाने वाली। अरे ऐसे उड़ा के ले जाती है देखती हूँ। कर लू ही ये ले, ये ले। अरे बाप रे, अरे कहाँ भागती है, यहाँ आ जा, पूरी झाड़ों से पूजा करूँगी। अरे क्या यहाँ से जाता है कि नहीं? पोपट, अब तुम उड़ के कहाँ जाओगे? अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। हाँ झाड़ू फेंक दे, झाड़ू फेंक दे, बोल रहा है झाड़ू फेंक दे। नहीं फेंकूंगी। तो तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे रोज रोज के लक्षणों से परेशान हो गया हूँ, अब मैं आत्महत्या करूँगा। आत्महत्या करे? हाँ। आत्महत्या करे? हाँ। तो जा जाके आत्महत्या कर ले। यानी यानी कि तू मुझे क्या समझती है? पर तेरी कसम खा के कहता हूँ मैं ना, कि मुझे नदी में आत्महत्या करने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। मैं चला। हाँ? अरे तू क्या आत्महत्या करेगा, अभी वापस आ जाएगा। हे भगवान, पानी तो बहुत गहरा है, बातों बातों में ही डूब मरना पड़ेगा क्या? ये तो आ गई, भागो। नहीं नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, सत्यवान भाई, सत्यवान भाई। लगता है यही सत्यवान है, अभी उसके प्राण हर के यमराज को चिंता से मुक्त कर दूंगा। यमराज की जय हो। महाराज, मैं आपके शत्रु सत्यवान के प्राण ले आया हूँ। सत्यवान के प्राण? किसकी आज्ञा से ले आए? उसका समय तो अभी आया नहीं है, उसके बदले में किसको ले आए तुम? देखिए महाराज, ये रहा सत्यवान का प्राण। प्रणाम यमदेव। कौन हो? मैं पोपट। धन्य हो आप, धन्य हो, जो मुझे मैना की सेवा से मुक्त करके अपनी सेवा में हाजिर किया। कौन मैना? मेरी बीवी, बहुत झगड़ालू है। यमदेव, यमलोक में आप किसी को भी बुला लो, पर उसको मत बुलाना, नहीं तो वो आपसे भी काम करवा लेगी। हाँ पोपट। जी यमदेव। तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना पड़ेगा। पृथ्वी पर? अरे बाप रे, नहीं नहीं, आपको मुझे नरक में डालना है तो नरक में डाल दो, पर मैं मैना के पास नहीं जाऊंगा। तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी मृत्यु का समय पूरा नहीं हुआ। तो फिर जल्दी से पूरा कर दो ना। हमें गौतम ऋषि के आश्रम से किसी और को लाना है। कौन है वो पापी? तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं। यमदूत, ले जाओ इसे वापस पृथ्वी पर। चलो बेटा पोपट, नीचे जाके फिर से मैना के पैर दबाना और फिर से रोटियां बनाना। चलो। अरे भागो मत भाई, भागो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पोपट हूँ। अरे सत्यवान भाई, आप तो मुझ पर विश्वास करो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं पोपट हूँ, पोपट। अरे पोपट, तू लेकिन तू तो जानते हो मैं यमलोक की यात्रा करके आया हूँ। वहाँ मैंने भयंकर यमदेव को देखा, बड़ी सी किताब लेके बैठे चित्रगुप्त को देखा। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ मेरी मैना कहाँ है? मैना 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 मैं 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 पोपट, मेरे पोपट तुम आ गए। मैं सही सलामत आ गया। देख मैना, मुझे भगवान ने फिर से जिंदा किया। मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये स्वप्न नहीं पर सत्य है। स्वामी स्वामी, मुझे माफ कर दो, अब मैं जीवन भर आपकी दासी बन के रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी। हाँ, बस ऐसे ही पड़ी रहना और मेरे कहने से खड़ी हो जाना। पर पोपट, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे भगवान की लीला अपरंपार है, यमदूत मेरे प्राण लेके गया, पर यमदेव ने कहा कि मेरी जगह आश्रम में से किसी दूसरे के प्राण लेना है। बेटी सावित्री। प्रभु। बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू।
आज से ठीक 14 दिनों के बाद मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रो मत सावित्री, उसका उपाय है, पर उसके लिए तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना पड़ेगा। जिस पेड़ के नीचे तुम आंसू बहा रही हो, उसी पेड़ की शक्ति अपरंपार है। इस पवित्र बल के नीचे खड़े होकर जो तुम सच्चे मन से 3 दिनों तक अन्न जल त्याग करके कठोर व्रत का पालन करोगी, तो तुम्हारे सौभाग्य के ऊपर आने वाला कोई भी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पर याद रखना, इस व्रत को भंग नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। माँ क्या हुआ बेटी? माँ कल से मुझे 3 दिनों तक उपवास करके बड़ पूजा का व्रत करना है। माँ 3 दिनों का उपवास? नहीं नहीं बेटी, ऐसा व्रत मैं तुझे नहीं करने दूंगी। हाँ बेटी, अन्न जल के बिना उपवास तुम्हारे शरीर के तेज को कम कर देगा, और बिना कारण शरीर को कष्ट देना अच्छी बात तो नहीं है ना बेटी। पिताजी, कुटुंब के कल्याण के लिए कोई भी व्रत करना ये तो स्त्री का धर्म है। ठीक है बेटी, तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ और खुशी से व्रत करो। हे बड़े राजा रण पड़ू मांगू घड़ी दो घड़ी आशीष दे दो, दया करके शक्ति मुझे दे दो, दुख मेरा डालो। ओम पति परमेश्वराय नमः। 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 स्वामी ओम पति परमेश्वराय नमः होगी। ओम पति परमेश्वराय नमः। मैं सोच रहा हूँ देवी। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ये सब क्या है? ओम पति परमेश्वराय नमः। सुहाग की रक्षा के लिए पति परमेश्वराय नमः। ओम 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 पति परमेश्वराय नमः। यमलोक क्यों लगा? ये एक सती नारी की तपस्या का प्रभाव है महाराज। सती नारी कौन है वो नारी? और कौन होगी? सती सावित्री। वो अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए कठोर व्रत कर रही है। असंभव, मैं उसका व्रत पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम पति परमेश्वरा नमः। ओम पति परमेश्वरा नमः। ओम पति परमेश्वरा नमः। ओम पति परमेश्वराय 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 नमः।
पति परमेश्वराय नमः, ओम 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 पति परमेश्वराय नमः। मेरी सारी शक्तियां व्यर्थ गई, सावित्री का तप भंग करना ही पड़ेगा। पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। सावित्री, प्रभु प्रभु प्रभु, सावित्री का व्रत भंग हो गया प्रभु। बेटी सावित्री, हाँ? ये तूने क्या किया, तेरा व्रत भंग हो गया। अब तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा माँ सावित्री के हाथ में है। नहीं माँ, सावित्री माँ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर डाला। प्रभु अब क्या होगा प्रभु। कोई न जाने कब टूटेगी इस जीवन की डोर, बीच में बैरन रात खड़ी है, मेरी मदद करो मेरी माँ। माँ ये क्या हुआ माँ, कहीं कुछ अमंगल होने वाला है। महारानी, स्वामी स्वामी स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इसलिए जिस बेटी को कभी आंखों से दूर नहीं किया था, उसे देखिए कितना समय बीत गया है। महारानी, सत्यवान के जीवन के लिए नारद जी का कथन याद आ रहा है। माँ माँ सावित्री, मेरी सावित्री के स्वाह की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। मातेश्वरी, सत्य की लाज रख के हमारे सत्यवान की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। हे तुलसी माँ, आज आखिरी वो अशुभ दिन का सूरज उग ही गया जो मेरे सुहाग को छीनकर अस्त होगा। आज मुझे शक्ति दो माँ। बेटा, आज कौन जाने क्यों, आज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। स्वामी, मेरे बेटे को इतना सुंदर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। हे भोलेनाथ, तूने मुझे थोड़ी देर के लिए आंखें दे दी होती तो अपने बेटे का चांद जैसा मुखड़ा तो देख लेता। बेटा, आज तो मेरा मन कहता है कि सारा दिन तू मेरे पास ही बैठा रहे तो कितना अच्छा हो। पर पिताजी, हर दिन की तरह जो जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊँगा तो काम कैसे चलेगा। नहीं बेटा, आज के दिन तू लकड़ियाँ नहीं लाएगा तो भी चलेगा। पर माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। पिताजी, मैं जाऊँ। ठीक है बेटा, जा और तू जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है। जी पिताजी। अरे अरे, क्यों, क्या हुआ, ये कैसा अपशकुन है भगवान। स्वामी आज अब मत जाइए स्वामी, बिल्ली ने रास्ता काटा है। हाँ बेटा, सावित्री सच कह रही है, आज तो मत जा। माँ, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अमंगल थोड़े ही होता है, ये तो सब मन का वहम है। और फिर मैं तो रोज ही जंगल में जाता हूँ। स्वामी, जो अगर आपको जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ससुराल आने के बाद भी
आश्रम में रहने के बाद भी मैंने वन देखा नहीं है, उसके पेड़ों को नहीं देखा, उसके फूलों से परिचय नहीं हुआ, इसीलिए आज मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी। पर हाँ बेटा, आज तक बहू ने कभी भी किसी बात की हट नहीं की, तो उसे अपने साथ ले जा। पर माँ, बेटा सत्यवान, तेरी माँ सच कह रही है, बहू को साथ में ले जा। ठीक है पिताजी, चलो आओ। देखो सावित्री, चारों ओर कैसी हरियाली छाई हुई है, देखो ये हरे भरे पेड़, देखो सावित्री पेड़ों पर ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, वो देखो ये पर्वत, देखो सावित्री कितने अच्छे लगते हैं ये सब, जैसे पर्वतों की माला हो। सचमुच सावित्री, भगवान की शक्ति के आगे किसी का बस नहीं चलता। देखो वो सूखा झरना, ये सूखा झरना जब बहता था तब इसकी कलकल करती आवाज दूर आश्रम तक सुनाई देती थी, और आज ये पूरी तरह सूख गया है। चलो देखो वो पक्षियों का घोंसला, देखा सावित्री कितने सुंदर लगते होंगे ना ये, पर आज पक्षियों के बगैर एकदम सूने हो गए हैं। आओ सावित्री, देखो ये सूखा वृक्ष आज कैसा दिख रहा है, दूसरे वृक्षों की तरह ये भी कभी हरा भरा होगा पर आज सूख गया है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी इस वृक्ष की तरह। ऐसा मत बोलिए स्वामी। अरे इसमें डरना कैसा, ये तो जीवन का परम सत्य है, ये तो कुदरत का नियम है, जो उगेगा वो अस्त होगा, जो खिलेगा वो मुरझाएगा, यही नियम है विनाश का, जो जन्मा है वो मरेगा। सावित्री तुम यहां बैठो, मैं लकड़ियां काटता हूं। आज सती के सत्य की कसौटी का अंतिम दिन है, कौन जाने क्या होगा। होना क्या है, जो विधाता को मंजूर होगा वही होगा। स्वामी आज सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन है, अब क्या होगा। होना क्या है देवी, आज यमदेव और नारद के संघर्ष का अंत होगा। जाओ जैसा कहा वैसा करो, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। Thank you.
सावित्री स्वामी क्या हुआ स्वामी क्या हुआ सावित्री मेरे पूरे बदन में जलन हो रही है जलन हो रही है नहीं स्वामी नहीं सावित्री मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे भाग्य में शायद शायद ये आखिरी क्षण है नहीं नहीं स्वामी नहीं ऐसा मत बोलिए स्वामी ऐसा मत बोलिए सावित्री मुझे लगता है कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे स्वामी कभी नहीं मिल पाएंगे आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा स्वामी कोई दूर नहीं कर सकेगा नहीं स्वामी हौसला रखिए स्वामी धीरज रखिए सावित्री मेरे पास का कोई असर नहीं हो रहा किसी भी हाल में सत्यवान को सावित्री से दूर करना होगा सावित्री हाँ स्वामी अभी लेकर आती हूँ आती हूँ अनि 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 सावित्री यम का नियम आज तक कोई बदल नहीं सका है और ना ही कभी बदल सकेगा स्वामी ये लो पानी स्वामी नहीं स्वामी नहीं हे माँ सावित्री ये क्या अनर्थ हो गया माँ ये क्या अनर्थ हो गया माँ ये क्या अनर्थ हो गया सावित्री तुम्हारी पति भक्ति और सतीत्व के बल पे मुझे विवश होके वापस आना पड़ा है परंतु तेरा सत व्रत और तप आज किसी काम नहीं आ सकेगा ऐसा मत बोलिए सावित्री पति सेवा के ऋण से तू मुक्त हो गई है अब वापस लौट जा और सत्यवान के शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी करो नहीं यमदेव जहाँ काया वही छाया जहाँ पति वही सती की गति इसलिए आप जहां मेरे पति को ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी सावित्री रुक जाइए यमराज रुक जाइए सावित्री पृथ्वी की कोई भी नारी मेरी गति को रोक नहीं सकती तुम्हें अपने पति के पीछे आना पड़े उससे तो अच्छा है कि तुम यहां से चली जाओ मनुष्य की सीमा यहां समाप्त होती है इसलिए वापस चली जाओ आप मुझ पे दया करके मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए फिर मैं वापस चली जाऊंगी कदापि नहीं मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है सिर्फ मरने के लिए सत्यवान भी मनुष्य था इसीलिए मेरी मानो और घर चली जाओ आगे का मार्ग अति विकट है मैं हर मार्ग हंसते हुए पार कर लूंगी पर उनके प्राण लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी सावित्री
यमदेव। सावित्री, अब तुम मेरी मान के वापस चली जाओ। जगत में तो कितने ही युवक हैं, उनमें से कोई तो सत्यवान की कमी पूरी कर देगा। यमदेव, आप धर्म पिता होके भी बेटी को अधर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। उससे पहले आप मेरे पति के साथ साथ मेरे भी प्राण ले लीजिए। यमदेव, मेरे भी प्राण ले लीजिए। रो नहीं सावित्री, रो नहीं। तुम्हारी पति भक्ति और प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। सत्यवान के प्राण के सिवा कोई भी वर मांग लो। तो प्रभु, मेरे ससुर जी की आंखों की ज्योति वापस आ जाए, मैं यही चाहती हूँ प्रभु। तथास्तु। ये कैसा आश्चर्य है? क्या मैं देख सकता हूँ? रानी, रानी, रानी। स्वामी। रानी, मेरी आंखों की दृष्टि वापस आ गई। रानी, मैं देख सकता हूँ। रानी, मैं देख सकता हूँ। स्वामी, देखो, मेरे हाथ भी ठीक हो गए। हे भोलेनाथ, धन्य है आप, धन्य है। रुक जाइए यमदेव, मैं विनती करती हूँ, आप रुक जाइए। सावित्री, तुमने जो मांगा मैंने वो वरदान दे दिया, फिर भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब यहाँ से वापस चली जाओ, आगे का मार्ग और कठिन है। यमदेव। सावित्री, इस वैतरणी नदी को तू पार नहीं कर पाएगी। इसको पार करने के बाद जीवात्मा का मृत्यु लोक के साथ कोई संबंध नहीं रहता। यहां काल की भी मौत होती है। मनुष्य के प्रेम बंधन यहां कोई काम नहीं आते। इसीलिए सत्यवान के जीवन का मोह छोड़ दे। नहीं यमदेव, सनातन काल से हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए हुए नर नारी हैं। आपका आदेश मुझे नहीं रोक सकता। सावित्री। हाँ यमदेव, ये नदी बह सकती है क्योंकि इसके नीचे नाश्वर भूमि है, इसलिए बह सकती है। वैसे ही मेरा जीवन प्रवाह मेरे पति के बिना कैसे बह सकता है यमदेव? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। माँ सावित्री, अनेक संकटों का सामना करके मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, पर अब मेरी सहायता करो माँ, सहायता करो। यमदेव। सावित्री, तुम वैतरणी जैसी भयानक धारा को पार करके तुम यहाँ तक पहुँच गई? हाँ प्रभु। सावित्री, तुम्हारे जैसी स्त्री की प्रचंड शक्ति देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसीलिए सत्यवान के प्राण छोड़ के मुझसे कोई भी दूसरा वरदान मांगो। प्रभु, मेरे ससुर जी को उनका राज्य वापस मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ। तथास्तु। महाराज, महाराज मुझे क्षमा करो। महाराज चंद्रसेन। हाँ महाराज, मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ और आपका राज्य सम्मान के साथ वापस करता हूँ। Ha 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 ha
यमराज आप सबको नियम में रखते हैं, इसलिए आपका नाम यम है और सब प्राणियों पर दया रखना और सभी को धर्म पालन के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। आपके शरण में आने वालों की रक्षा भी करते हैं। प्रभु मैं आपके शरण में आई हूँ, अन्य प्राणियों की तरह मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरा सौभाग्य मुझे वापस कर दीजिए प्रभु। सावित्री जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है वैसे ही मुझे तुम्हारी वाणी मधुर लगती है। तुम्हारी धार्मिक वाणी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मांगो, तीसरा वरदान मांगो, परंतु अपने सौभाग्य को मत मांगना। मेरे पिता के कुल का नाम रोशन करे ऐसे 100 भाई मुझे दीजिए। तथास्तु, लेकिन अब वापस जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो सावित्री, जाओ। माँ सावित्री मेरी सहायता करो, माँ मेरी सहायता करो। जाइए यमदेव, रुक जाइए। तीन तीन वरदान प्राप्त करने के बाद भी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ रही हो और यहां तक चली आई। तुम्हें पता नहीं कि ये यमलोक है और यहां मनुष्य कभी जीवित नहीं आ सकता। हाँ यमराज मुझे पता है। तो जाओ, वापस जाओ और सुख से रहो। नहीं प्रभु, बिना स्वामी मेरे जीवन में सुख कहां से होगा? मेरी खुशी मेरा सौभाग्य तो आप ले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने नियम का पालन कर रहा हूँ सावित्री, तुम जो मांग रही हो वो मैं करार भी नहीं दे सकता। आपके द्वार से निराश होकर मैं कहाँ जाऊँ? आप इतना तो सोचिए कि जब मैं आश्रम उनके बिना जाऊंगी तो मेरे सास ससुर पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यमदेव क्या जवाब दूंगी? मैं ये सब कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यमदेव तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं विधवा होकर घर घर भटकती फिरूं? ये सारी हंसी उड़ाए? नहीं यमदेव नहीं, मैं धरती पर बोझ नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती। उनके साथ साथ मैं अपने प्राण भी आपको समर्पित करती हूँ। लीजिए। जय मां सावित्री। निराश मत हो सावित्री, तुम्हारे जीवन को सुखी करने के लिए एक तो क्या तुम्हें 100-100 पुत्रों का वरदान देता हूं। नारायण नारायण, वाह वाह वाह, दानी हो तो आप जैसा हो यमदेव। सावित्री को आपने तीन तीन वरदान दिए, ऊपर से चौथा वरदान भी दिया और वो भी 100 पुत्रों की माता होने का। वाह सूर्य पुत्र वाह। देवर्षि, मेरा बखान करके आप अपनी हार नहीं छुपा सकते। आपने देखा ना कि सावित्री के इतने प्रयत्नों के बावजूद मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। सूर्य पुत्र, सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया, इसके साथ ही आपका नियम भी टूट गया। जिस डाल पर आप अभिमान से खड़े थे वो डाल आपने अपने हाथों से ही काट डाली। क्या कहा, मुझसे कोई भूल हो गई? जब बड़े ज्ञानी भूल करते हैं तब उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, जैसे कि आज। नारद जी। यमदेव, क्रोध छोड़ के जरा शांत मन से विचार कीजिए।
कि सावित्री जैसी सती नारी बिना पति के माता कैसे बन सकती है? हाँ? है ना, माता कैसे बन सकती है? और फिर भी आपके वरदान से सावित्री माता बन गई तो फिर संसार उसे क्या कहेगा? सही कहा। हाँ यमदेव, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्यवान के प्राण वापस कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। तो फिर यमलोक के स्वामी के वचनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, आपका दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा और आपकी महान प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। देवर्षि, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। यमदेव, या तो अपना वचन भंग करके यमलोक छोड़िए या फिर सत्यवान के प्राण वापस लौटाइए। नारायण नारायण। आप सच कह रहे हैं नारद जी। कल्याणी, आज तुमने अपनी बुद्धि के बल पर मुझे जीत लिया। मेरे नियम को बदल के तूने मेरा शीश झुकाया है। तुझ पर मुझे बेटी जैसा प्यार आ रहा है। तुझ जैसी सती के पास से पति को छीन लेना मुझे जरा भी उचित नहीं लग रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस सौंपता हूं। जाओ बेटी, पृथ्वी पर जाकर दोनों स्वर्गीय सुख भोगो। सदा सौभाग्यवती रहो। सावित्री, 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 सत्यवान, माँ, सत्यवान, सावित्री, बेटा, बेटी सावित्री, बहुरानी, तुमने तो दोनों कुल का नाम अमर कर दिया। धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। बेटी, तुझ में तो मैं माँ सावित्री के साक्षात दर्शन करती हूँ। तुझे पाकर तो हम लोग धन्य हो गए। सावित्री, धन्य है बेटी, धन्य है। संसार में सिर्फ तू एक ही ऐसी स्त्री है जो यम के दरबार से पति के प्राण वापस ले आई है। इसीलिए युगों युगों तक तेरा संसार में नाम अमर रहेगा। हजारों दिन दुखी तेरे चरणों में आके झुकेंगे। उनको तो अपने आंचल में आश्रय देना, उनके आंसू पोंछना और उनकी तारिणी उद्धारिणी दुख हारिणी बनके रहे। माँ सावित्री, आज से जो कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारी तरफ श्रद्धा भाव से बड़ सावित्री का व्रत करेगी वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। बड़ राजा रे, खाने को दो जार बाजरी। बड़ राजा रे, खाने को दो जार बाजरी। बड़ राजा